वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एसिड्स बेसिस एंड द बफर्स ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूँ अबाउट एसिड तो हमें एटलीस्ट हम सिक्स सेवन्थ एथ स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड्स क्या होते हैं ठीक है तो जिन भी हमारे लिक्विड्स या सब्सटेंसेस जिनका पी एच हमारा सेवन से कम होगा ठीक है जीरो टू सेवन वो होंगे हमारे एसिड्स ठीक है और बल्कि सिक्स समझ लिए और एट से हमारा फोर्टीन तक जो भी सोल्यूशन हमें पी देंगे वो हो जाएंगे हमारे बेसिस ठीक है और जो जिनका पी एच होगा दैट इज़ द न्यूट्रल ये हमें हो जाएंगे हमारे न्यूट्रल सोल्यूशन ठीक है उसके बाद आते हैं हमारे बफर्स अब बफर्स क्या होंगे सपोज़ कोई भी हमारा एक सोल्यूशन है जो एसिडिक है अपने आप में ठीक है और एक सोल्यूशन जो बेसिक है अब हम उसमें कुछ ऐसा ऐड करें जो रेजिस्ट करे चेंज इन पीएच क्या करें रेजिस्ट चेंज इन पीएच मतलब उस पर्टिकुलर सोल्यूशन का पी चेंज ना होने दे ठीक है उसके पी में चेंज होने से कुछ भी चेंज अगर हमारा कोई सोल्यूशन है उसमें कोई बफर है अगर हमारा एक हमारे पास बफर प्रेजेंट है उसमें हम कुछ भी एसिडिक सोल्यूशन ऐड करें या बेसिक सोल्यूशन ऐड करें तो उसका पी एच एज इट इज़ रहेगा ठीक है तो ये होता है इनके पास टेंडेंसी होती है होती है टू रेजिस्ट द चेंज इन पी ये होते हैं हमारे बफर्स ठीक है अब अब हमारे जो एसिड बेसिस हैं इनको हमने अलग अलग थ्योरीज से अलग अलग बेसिस पे डिवाइड करा है जैसे प्रोटॉन का एक्सेप्ट या फिर रिलीज या फिर एच पॉजिटिव आयंस ले रिलीज़ रिली, रिली कर रहे हैं या फिर हमारे आयंस रिलीज़ कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हमने इनको डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करा है तो अब हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं थोड़ा डिटेल में ठीक है सोल्यूशन लाइक एसिड बेसिस एंड बफर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन मैनुफैक्चर एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ द ड्रग्स बट ऑल्सो रिक्वायर्ड इन फार्मास्यूटिकल एड एंड नेसेसिटीज इन डिस्पेंसरी फार्मास्यूटिकल्स फॉर देर स्टेबिलिटीबिलिटी मैनुफैक्चरिंग के लिए यूज नहीं हो रहे हैं या फिर किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योर करने के लिए यूज नहीं हो रहे हैं बट ऑल्सो देर हैविंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फार्मास्यूटिकल एड ने जिसमें हमारी फार्मास्यूटिकल एप्लैसे डिस्पेंस भी हो रहा है रिगार्डिंग ऑफ देयर स्टेबिलिटी मतलब कि उनकी स्टेबिलिटी कंडीशन कैसी है कम्पेटिबिलिटी मतलब वो दूसरे ड्रग्स के साथ कम्पैटिबल है अननेसेसरी रिएक्शंस तो शो नहीं कर रही हैं ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इन ह्यूमन बॉडी एंड ऑल ओवर द रिक्वायर्ड ब्लड स्ट्रीम फिर उसके बाद मतलब दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ फिजियोलॉजिकल सिस्टम ठीक है नाउ दीज आर द थ्री मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस अब हम देखने वाले हैं थ्री कॉन्सेप्ट जिसके अकॉर्डिंग हमने एसिड्स और बेसिस को डिफाइन किया है मतलब डिफरेंस उनमें हमें पता चलेगा फर्स्ट इज द आरिनीस कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू इट एसिड्स आर द सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन आयंस एंड बेसिस आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग हाइड्रोक्सिल आयंस ठीक है बस हमें इसमें सिर्फ इतनी बात याद रखनी है ठीक है कि हमारे एसिड्स रिलीज कर रहे हैं हाइड्रोजन आयंस और बेसिस बेस हमारे रिलीज क्या कर रहे हैं हाइड्रॉक्सी आयंस मतलब ओ एच नेगेटिव आयंस ये हो गया हमारी आरहनियस कॉन्सेप्ट वेरी इजी इट इज़ बस एक बार हमें ध्यान से देखना है और हमें खुद पता चल जाएगा ठीक है फिर आता है हमारा ब्रॉन्स टीलाउरी कॉन्सेप्ट इसमें क्या है एसिड इज एनी सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटोन प्रोटोन क्या होता है वॉट इज प्रोटोन प्रोटोन इज द एच पॉजिटिव आयन दैट इज द हाइड्रोजन आयन ठीक है तो ये हो गया हमारे एसिड्स जो हमें आरहनियस कॉन्सेप्ट से भी पता चल गया था वाइल अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन ठीक है अब बेस जो है वो हमारा एच प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा है और एसिड क्या कर रहा है हमारा एच पॉजिटिव आयन को डोनेट अ प्रोटॉन ठीक है तो बस इसमें ये डिफरेंस है और ये हमें ध्यान रखना है ये भी बहुत ईजी है नेक्स्ट इज द ल्यूस एसिड बेस कॉन्सेप्ट इसमें हमने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर डिवाइड किया है और डिफरेंस बनाया है बिटवीन द एसिड एंड द बेस ठीक है अकॉर्डिंग टू इट एसिड इज एनी सब्सिडेंस डेट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर वाइल बेस कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर ठीक है एसिड क्या कर रहा है यहाँ पे हमारा एसिड एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर और बेस हमारा डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को ठीक है तो ये है हमारे डिफरेंसेस बिटवीन द एसिड एंड बेसिस एज पर थ्री कॉन्सेप्ट दैट इज आरिनियस ब्रॉन्सड लाउरी एंड लिवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट ठीक है तो अ बफर सोल्यूशन इज अ सल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंज इन पी एच ईदर वन डायलूटेड और वैन लिमिटेड अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडिड टू इट इट कैन भी प्रिपेयर बाय कम्बाइनिंग अक एसिड एंड इट सॉल्ट विद अस् स्ट्रॉन्ग बेस और बाय कम्बाइनिंग अक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉग एसिड ठीक है बफर क्या है बफर सोल्यूशन टोल्ड इट इज अ सोल्यूशन दट रेजिस्ट चेंज इन पी एच मतलब वो एक सोल्यूशन के पी एच में चेंज होने नहीं देगा उसमें वो रेजिस्ट करेगा उसे रोकेगा किसी भी सोल्यूशन का पी एच चेंज होने से ज़्यादा होने से पहले वो उसे स्टॉप करेगा ठीक है रेजिस्ट मतलब उसको रोकना एक तरह से तो किसी भी सोल्यूशन को पी एच में रेजिस्ट करेगा टू चेंज वो होगा हमारा बफर वन डायल्यूटेड और लिमिटेड अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड टू इट अगर कुछ अमाउंट में ये नहीं कि हमने पूरा भर के बहुत सारा एसिड या बहुत सारा बेस ऐड कर दिया कुछ अमाउंट में लिमिटेड अमाउंट में अगर एसिड या बेस ऐड हो रहा है तो हमारा बफर क्या करेगा उसके पी को रजिस्ट करेगा मतलब चेंज नहीं होने देगा इट कैन भी प्रिपेयर अब हमको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं या तो हम वीक एसिड और उसके सॉल्ट को कम्बाइन करें विद अ स्ट्रॉन्ग बेस या फिर हम वीक बेस और उसके सॉल्ट को कम्बाइन करें विद ए स्ट्रॉग एसिड तो हमारा बन जाएगा बफर ठीक है अब हमारे बफर सॉल्यूशन कितने टाइप का है इधर वी हैव एन एसिडिक बफर और वी हैव अ बेसिक बफर एसिडिक बफर का एग्जांपल है एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट और बेसिक बफर का एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम क्लोराइड ठीक है फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ बफर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एसिडिक बफर अगर हमारे ये एक एसिडिक बफर से हमारा ये एग्जांपल एक्सप्लेनड है यहां पे हमारा क्या है एसिटिक एसिड इसमें हमें मिल रहा है एसीटेट आयंस और हाइड्रोजन आयन्स और सोडियम एसिटेट में हमें मिल रहा है एसीटेट आयंस और सोडियम आयन्स ओवरऑल एसीटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई मतलब यहाँ पे हमारा आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है इफ़ एसिड फॉर एग्जाम्पल एच सी एल इज एडिड टू इट दैन द एच प्लस प्रोड्यूस गेट्स एसोसिएटेड विद एसिटेट आयंस टू फॉर्म अन आयोनाइज एसिटेट सो मतलब एसिटिक एसिड अगर हम क्या करें अगर हम इसमें कोई एसिड ऐड कर दें सपोज तो क्या होगा हमारा एच प्लस आयन एसोसिएट हो जाएंगे इसके साथ जाकर ऐड ऑन हो जाएंगे और हमारा अन आयोनाइज एसिटिक एसिड हमें मिल जाएगा ठीक है इफ़ बेस फॉर एग्जाम्पल एन ओ एच इज एड अगर हमने कोई बेस एड कर दी तो क्या होगा एच ओ एच आय हाइड्रोक्सिल आयस प्रोड्यूस गैट्स कम्बाइंड विद एच प्लस टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा एच प्लस के साथ एड ऑन होकर यहाँ पे ठीक है तो दिस इज द कंडीशन फॉर द बफर